प्रिज्म सीमेंट कंपनी में मजदूरों को बंधक बनाया गया। 150 से ज्यादा लोग अंदर काम बंद हड़ताल में हैं और दूसरी शिफ्ट के मजदूर बाहर में हड़ताल में हैं। सभी मजदूर यूनियन इकट्ठा हुए, मामला ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। कंपनी के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर नहीं आने दे रहे, गेट के बाहर आए सिक्योरिटी स्टाफ समझाने में लगे हैं। 2012 से वेतन नहीं बढ़ाया गया, साथ में महीने में 12 ही ड्यूटी दी जाती है। इसके विरोध में मजदूर काम बंद हड़ताल में उतरे हैं। वेतन बढ़ाए जाने और महीने में 26 ड्यूटी दी जाए, मजदूरों को डेली बुलाकर ओपस ना किया जाए और कंपनी के स्टाफ के समझाने के बाद अंदर में बैठे मजदूरों से मिलने के लिए 4 लोगों को अंदर जाने को कहा गया। अंदर फंसे मजदूरों से चर्चा के बाद मामला साफ होगा। काम करेंगे, गेट थोड़ा सा छोड़ दीजिए, उधर बैठे गाड़ी वाहन चल रहा था, गाड़ी वाहन चल रहा है। सुनो, आप गेट छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कहीं भी बैठ के हड़ताल कर देना इतनी नहीं, वो नहीं जानते हैं। गेट को थोड़ा छोड़ दीजिए, गेट को आप छोड़ दो, पहले से बैठे हैं सब आप लोग, क्या नाम हुआ राजकुमार, आप लोग गेट को छोड़ दो, जो अभी बोल रहे हैं सर, हम 6 बजे से यहाँ खड़े हैं। सर, हम लोगों का ना तो पैसा दिया जा रहा, ना हम लोगों को ड्यूटी दी जा रही, और हम लोग अपनी मांग करते हैं कि हम लोगों को 36 ड्यूटी दीजिए, और हम लोगों का जो रेट है परमानेंट एम्प्लॉयज का वो हमको चाहिए। तो हमको सीधा बोला जा रहा, जिसको करना हो करे, जिसको ना करना हो ना करे, जो मिलता है वही दिया जाएगा। हमको महीने में 10 से 12 ड्यूटी दी जाती है, इसके अलावा हम लोगों को डेली घर वापस कर दिया जाता है प्लांट से। आज अभी सूचना मिली है कि कुछ लोगों को अंदर, हाँ सर, वो हमारे आधे आदमी अंदर बैठे हैं। लगभग कितने होंगे? लगभग हमारे आदमी 150 आदमी लगभग अंदर बैठे हुए हैं। ना तो गेट से उनको खाना जाने दिया जा रहा, ना पानी जाने दिया जा रहा है। उन लोग भूखे प्यासे कल से वहाँ बैठे हैं।